मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में दो डॉक्टरों के बीच आपस में मारपीट का मामला सामने आया है। कुर्सी पर बैठने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच जमकर लात घुसे चले। बड़ी बात तो ये है कि दूसरों को शांत रहने और अपने आप पर कंट्रोल रखने की सलाह देने वाले अपना आपा खोने लगे तो बेचारे मरीजों का क्या हाल होगा। टीकमगढ़ के डॉक्टर प्रशांत जैन और अंकित जैन के बीच विवाद हुआ था। डॉक्टर अंकित को चोटें भी आना बताया जा रहा है। ये पूरा मामला बड़ा गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। फिलहाल दोनों डॉक्टर थाने में शिकायत करने पहुंचे थे। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अंकित जैन हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गाँव चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक 18/9 को मैं लगभग 10 बजे मरीजों का परीक्षण कर रहा था ऑन ड्यूटी, तभी डॉक्टर प्रशांत जैन ओपीडी में आए और मुझे अपना स्थान छोड़ के अन्यत्र बैठने के लिए बोलने लगे। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर ही बैठता हूँ, तो आपको अगर बैठना है तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप दूसरे चैम्बर में बैठ जाइए। तो बोले कि नहीं, तो वहाँ पर पहले से बैठ रहे, अब मैं यहाँ पर बैठूँगा। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो बस इसके लिए तो उनको बाहर किया, गेट लगाए, खिड़कियाँ लगाईं और गाली गलौज करने लगे, जिसका वीडियो मेरे पास उपलब्ध है। कहने लगे कि हमने पहले भी तुम्हें समझाया था। मैंने कहा भाई समझाया था अगर तुम कल, फिर क्या होगा? फिर उसके बाद उन्होंने छूमा झपटी चालू कर दी मेरी शर्ट पर, मतलब मुझे पकड़ा, जिससे मेरी शर्ट फट गई, मेरे गर्दन पर मारापीटी के निशान बना, जो कि निशान है मारापीटी का, जिसके निशान है। ये डॉक्टर प्रशांत जैन साहब ने फ़ोन किया था कि यहाँ अस्पताल में हंगामा हुआ, तब वहाँ मौके पर गए थे। तो डॉक्टर प्रशांत जैन और अंकित जैन का इनका आपसी में विवाद हुआ, जिसमें डॉक्टर अंकित जैन ने आवेदन पत्र दिया और उनने जो अपने छोटे बताए उनका मेडिकल कराया गया, मेडिकल जिला अस्पताल होने गया और बाद जाँच मेडिकल लोगों पर जो जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाए। कहाँ कहाँ निशान आया है, कैसा क्या क्या था? उन्होंने चोट अपनी गर्दन में बताई। कहाँ से चोट में, मतलब ये नहीं रहा, वो मारपीट हुई हाथ में, हाथापाई से। कितने बजे की घटना है ये? करीब 10:30 बजे की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। निमाड़ की प्रतिनिधि संस्था अखिल निमाड़ लोक परिषद द्वारा निमाड़ी दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। प्रतिवर्ष 19 सितंबर को परिषद आयोजन कर इस दिन को मनाते हैं। इस वर्ष यह आयोजन लालबाई फुलबाई मंदिर सेगांव में संपन्न हुआ। इस आयोजन निमाड़ी में योगदान के लिए 20 कलाकारों का सम्मान किया गया। अतिथि कथावाचक मोहन भाई, संस्था अध्यक्ष उदय सिंह अनुज न्यास, अध्यक्ष जगदीश जोशीला, महासचिव मुफज्जल हुसैन, मनीषा जोशी, जीवन शर्मा, राम शर्मा, मंचा सिंह थे। सस्वर सरस्वती वंदना महेश्वर से आए कलाकारों ने प्रस्तुत की। अपने उद्बोधन में कथावाचक राम भाई ने निमाड़ी के लिए परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों पर खुशी जाहिर करते हुए इसे प्रदेशव्यापी बोली बनाने की बात कही। भाई जी ने निमाड़ी भजन सुनाकर माहौल में भक्ति रस में घोल दिया गया। वरिष्ठ साहित्यकार बसंत निर्गुने ने कहा कि निमाड़ी संस्कृति को बचाना है। परिषद की सक्रिय इकाइयों के कार्यों की जानकारी देकर स्वागत किया। संस्था अध्यक्ष उदय सिंह अनुज ने अपने उद्बोधन में कहा कि निमाड़ भवन निमाड़ में बनाना चाहिए। सिंगाजी सर्जन पीठ के संबंध में संस्कृति मंत्री विजयलक्ष्मी साधो से चर्चा कर इसकी स्थापना की मांग की। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हम परिषद को दो ही कार्यक्रम मुख्य रूप से साल भर में मनाना, एक मार्च ताकतवर और जब सेना ज्यादा हो तो यह दूसरो मुख्य लक्ष्य छे हमारो कि हमारा जो आजीवन सदस्य छे ओका बराबर एक हमने पिछली बार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पंचायत सेगांव के समीप ग्राम बांडियापुरा के ग्रामीण जनों ने सेगांव मुख्यालय पर पहुंचकर प्रशासन से यह मांग की है कि अगर बांडियापुरा के मुख्य मार्ग पर रोड नहीं बनता है तो आने वाले किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
ग्रामवासियों ने बताया, जब से गांव बना है तभी से रोड का निर्माण नहीं है और खासकर बारिश के दिनों में कीचड़ होने से प्रतिदिन स्कूल पढ़ने जाने वाले छात्र छात्राओं को कीचड़ में से गुजरना पड़ता है और आए दिन इस मार्ग पर ग्रामवासियों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। वहीं इस मार्ग पर कई ग्रामीण घायल भी हो चुके हैं। यहाँ की आबादी लगभग 500 से अधिक है, लेकिन प्रशासन इन सब समस्याओं से बेखबर है। सहगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हमारे गांव में रोड की बहुत समस्या है, बहुत साल से अभी तक रोड नहीं बना है और आए दिन घटनाएं होती रहती है। स्कूल वाले बच्चे बहुत परेशान होते हैं, स्कूल आने में बहुत बार कपड़े खराब हो जाते हैं और एक आदमी का पेट टूट गया है। डेली रोज न रोज घटना होती रहती है, इसलिए हम ये निवेदन करते हैं कि हमारे गांव में जल्दी रोड बना जाए। अगर प्रशासन इस संबंध में अगर कार्रवाई नहीं करते तो आगामी चुनाव में हम वोट नहीं डालेंगे। क्या नाम लिखता है? मैं राजेंद्र कन्नौज, ग्राम पांडेपुरा से गाँव। कब से नहीं रोड बना? सर अभी तक जब से गांव का निर्माण हुआ तब से अभी तक एक ट्राली मिट्टी भी नहीं डली। हम रोड के लिए आए हैं, हमारे यहाँ कई सालों से रोड खराब है और रोज आए दिन कई घटनाएं हो रही है और हमने जनपद में भी आवेदन दिया था, पंचायत में भी दिया और अभी हम तहसील में आवेदन देने के लिए आए थे। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कौन से गांव की बात है? हम बांडेपुरा सेगांव में लगता है, जो सेगांव का मोहल्ला बांडेपुरा ग्राम है। कब से नहीं रोड बनाया? रोड कई सालों से कई कार्रवाई नहीं हो रही हमारी। क्या कहना चाहते हैं? अगर रोड नहीं बना तो क्या? रोड नहीं बनेगा तो आने वाले समय में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। क्या वोट नहीं डालेंगे? रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं दयाराम कन्नौज। आज हमारे यहाँ सब जन इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हमारे यहाँ जैसे रोड की स्थिति बहुत खराब है, उसके लिए जैसे भूतपूर्व सरपंच साहब शांतिलाल भाई, जनपद सदस्य पटेल साहब और आने वाले चुनाव में हमको रोड नहीं बन पाएगा तो रोड नहीं तो वोट नहीं होगा, और क्योंकि ये मुरुंग से काम नहीं चलेगा और हमको परमानेंट रोड चाहिए, इसलिए जनपद सदस्य और भूतपूर्व सरपंच साहब को अवगत करवा रहे हैं और जनपद पंचायत में ज्ञापन सौंप रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इंदौर जिले व देपालपुर विधानसभा के सबसे अंतिम गांव गिरोता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ प्यून वासुदेव पांचाल ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। वासुदेव प्यून के पद पर होते हुए भी सन 1996 से कक्षा 9वीं और 10वीं में संस्कृत विषय पढ़ा रहे हैं और बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट संस्कृत में 100% दे रहे हैं। साथ ही वासुदेव पांचाल द्वारा कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा में प्रति वर्ष अधिक नंबर लाने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को हर वर्ष 15 अगस्त को स्कूल में आमंत्रित मुख्य अतिथि के द्वारा प्रथम पुरस्कार के रूप में 3100, द्वितीय पुरस्कार 2100 और तृतीय पुरस्कार 1100 रुपए देकर बच्चों की हौसला अफजाई भी करते हैं। स्कूल का प्यून होने के बावजूद यह कर्मचारी अपने मूल कर्तव्य को भी साथ साथ बड़ी ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं। उक्त कर्मचारी के कार्य के कारण शाला को गुड गवर्नेंस हेतु चयन हुआ है, जिसमें 20 सितंबर 2019 को शिक्षा विभाग ने श्री पांचाल एवं प्रभारी प्राचार्य महेश निगवाल को भोपाल बुलाया है, जहां ऐसे कर्मठ कर्मचारी को शाला परिवार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। देपालपुर से विशाल चांदला की रिपोर्ट। शिक्षक की भूमिका भी निभा रहे हैं, किस तरह काम करते हैं? मैं अपना व्रत का कार्य सुबह जल्दी निपटा लेता हूँ, साफ सफाई पानी का काम निपटाता हूँ, उसके बाद समय पे स्कूल खोल देता हूँ, प्रार्थना करवाता हूँ, क्लास लेता हूँ। मेरे गुरुजनों ने जो मेरे को ज्ञान दिया, संस्कृत के प्रति मेरी रुचि रही बचपन से ही, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को भी ये ज्ञान पहुँचे, बच्चे भी संस्कृत में श्रेष्ठ बने, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति ही संस्कृत से जुड़ी हुई है। ये कार्य का मेहनत का सम्मान मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो वर्ग के कर्मचारी हैं सभी इस प्रकार के उन्नति करने के लिए अग्रसर हो, अच्छे कार्य करें, अपने कार्य के अतिरिक्त कार्य करके प्रदर्शन करें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसके लिए मेरे गुरुजी जिसने मेरे को पढ़ाया, श्री आदरणीय अम्बाराम जी सेन साहब और उस समय जो प्राचार्य महोदय रहे KL बरवा साहब, जिन्होंने मेरे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, पढ़ाने के लिए प्रेरित किया,
और मैं बच्चों की मांग रही कि हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। संस्कृत पढ़ाने वाले उस समय कोई नहीं थे, बच्चों ने मांग की हम इनसे पढ़ेंगे, तब से मैंने पढ़ाना चालू किया। आपका शुक्रिया। वासुदेव रामचंद्र जी पांचाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। SW24 न्यूज ने पहले भी प्राथमिकता के साथ ग्राम पंचायत हरण गांव में पीएम आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि के घोटाले को उजागर किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरण गांव में हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिया गया था। ग्रामीण आवास योजना में 1.5 लाख की राशि हितग्राही को मिलनी थी, लेकिन हितग्राहियों तक सिर्फ 1,20,000 या 1,25,000 की राशि ही पहुंच पाई। हितग्राहियों ने सरपंच एवं सचिव पर आरोप लगाते हुए बताया कि बची हुई राशि जॉब कार्ड लगाकर अन्य लोगों के खाते में ट्रांसफर करा ली गई और हितग्राहियों को बताया गया कि कुछ ही दिनों बाद बची हुई राशि भी आपके खाते में आ जाएगी। लंबा समय होने के बाद जब बची हुई राशि हितग्राही के खाते में नहीं पहुंची, तब हितग्राही परेशान होकर जनपद पंचायत खातेगांव पहुंचे एवं CEO से पूरे मामले की शिकायत की, जिसमें आज जनपद पंचायत खातेगांव CEO टीना पवार के द्वारा पूरे मामले के जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसे जिन हितग्राहियों को बकाया राशि नहीं मिल पाई थी उन्हें उनके हक की राशि अब जल्द ही मिलने की उम्मीद जागी है। देखना अब ये है कि यहाँ जांच कितने दिनों में पूरी होगी और ग्रामवासियों को कितना लाभ मिलेगा। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। तो चेक करके बता पाएंगे। उस समय क्या गोपाल भैया थे, मैं जनपद अटैच था। तो ये आपको मालूम है कि निकले लेने के लिए? वो तो निकल गए ना पेमेंट का, और कुछ तो इनके खाते में भी है। नहीं, पर मजदूरी का पेमेंट इनका कहना है कि 15,000 रुपए के लगभग भी अभी नहीं निकले। वो तो आए उनके खाते में, उनकी एंट्री देख लो, उनको पासबुक देख लो। नहीं, उनका ये कहना है कि नहीं आया, बाकी आ गया 1,20,000 आ गए। नहीं, तो वो भी एंट्री दिख रही है उस पे, उनकी पासबुक देखो तो बता पासबुक। आज मेरे सामने एक शिकायत आई है जिसमें हरण गांव पंचायत में प्रधानमंत्री आवास की जो हितग्राही है उनकी मजदूरी उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, ऐसी शिकायत मिली है। उसके संबंध में मैंने जांच दल का गठन किया है। जैसे ही जांच दल से रिपोर्ट प्राप्त होगी उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके संबंध में मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में ग्यारसपुर BRC ने किया औचक निरीक्षण। जनपद ग्यारसपुर के अंतर्गत आने वाली शासकीय प्राथमिक शाला हिम्मतपुर में आज BRC शर्मा ने स्कूलों में चल रही बच्चों की पढ़ाई, मध्याह्न भोजन, डेली रूटीन की उनकी जो गतिविधि है, होमवर्क, ड्रेस, खेलकूद सभी चेक किए। स्कूलों में उपस्थिति रजिस्टर चेक किया गया, इसमें 60 बच्चों के एडमिशन है एवं 50% ही बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं। उसका कारण है कि यह पूरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र, जहां बच्चों के माता पिता मजदूरी के लिए बाहर पलायन करते हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी पलायन कर जाते हैं, जिसके कारण बच्चे स्कूल में कम दिखाई देते हैं। फिर भी वहां की जो शिक्षक है उनकी मेहनत से और उनके माता पिता को समझा कर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है एवं BRC को सारी व्यवस्थाएं स्कूल की पुख्ता मिली एवं इसी प्रकार से BRC अपने क्षेत्र के औचक निरीक्षण रेगुलर कर रहे हैं, जिसे सभी टीचर अधिकतर स्कूलों में बराबर समय से पहुंच रहे हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। शासन स्तर से हम लोगों को प्रतिदिन स्कूलों का निरीक्षण करना होता है और उनमें जो कमियां होती हैं उनके सुधार के लिए हर संभव हम प्रयास करते हैं, और जहां कमियां दिखती हैं उनको सुधारने के लिए उनको निर्देश भी दिए जाते हैं। क्योंकि आज प्राथमिक शाला हिम्मतपुर का मैंने निरीक्षण किया, निरीक्षण में तीनों शिक्षक उपस्थित पाए गए, बच्चों की वर्कबुक देखी, वर्कबुक जची मिली, जो निर्देश हैं टैकर पंजी भी थी वहाँ पर, कुल मिलाकर समूह द्वारा शैक्षणिक कार्य की स्थिति भी पाई गई, मध्याह्न भोजन वितरण हो रहा है। मध्याह्न भोजन क्या है, शाला भवन जीर्ण शीर्ण हो गई है, डिसमेंटल की कार्रवाई शासन स्तर से हो गई है और अब यहाँ नवीन भवन स्वीकृत भी हो गया है। शीघ्र ही बारिश समाप्त होने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, तो अभी बैठने के लिए बच्चों के लिए व्यवस्था जो पर्याप्त भवन है वो कम पड़ रहा है,
यहाँ की एक बहुत महजी परेशानी है कि यहाँ के बच्चे अभिभावकों के साथ पलायन कर जाते हैं, इसलिए उपस्थिति यहाँ कम रहती है। और अब जो दिन आ रहे हैं, बच्चे मजदूरी के लिए चले जाते हैं, ईंटों भट्टों के काम के लिए चले जाते हैं, कहीं अभी बरसात के समय में उनके धान रोपण के लिए उनके अभिभावक बच्चों को ले जाते हैं। इसलिए इस स्कूल में कई बार उनके पालकों से संपर्क भी किया, मगर चूंकि वो गरीब हैं, मानते नहीं हैं और चले जाते हैं। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि मध्याह्न भोजन भी दिया जा रहा है, गणवेश भी दी जा रही है, पुस्तक भी दिया, जो सुविधाएं शासन द्वारा मिलती हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाती हैं, मगर उनके अभिभावकों के साथ बच्चे मजदूरी के लिए बाहर चले जाते हैं, ये स्कूल की परेशानी है। फिर भी उनके पालकों से बार बार संपर्क कर रहे हैं और कोई सुधार की स्थिति निर्मित होगी। तो मतलब माना जाए कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ ठीक हैं? प्राय जो मैंने देखा है, जो निर्देश दिए हैं, उनके अनुरूप तीनों शिक्षण काम कर रहे हैं, कोई ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई। एक जो बस उपस्थिति की बात थी, तो मैंने उनसे निर्देश दिए हैं कि प्रतिदिन जाएं, जो अभिभावक वर्तमान में गांव में हैं, कम से कम उनके बच्चे तो नियमित शाला में आ जाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के जनपद पंचायत ग्यारसपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हतिया खेड़ी के ग्राम घुरदा में पिछले 5 वर्षों से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी हितग्राही को लाभ अब तक नहीं मिला है। पूरे गांव में गरीबों के कच्चे मकान बने हुए हैं, जो भारी बारिश में तहस नहस हो गए हैं। मकान ढह गए, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई है कि गरीबों के शुभचिंतक मसीहा से हाथ जोड़कर निवेदन है कि साहब, आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि आप ही हम जैसे गरीबों का भला कर सकते हैं। इन वृद्ध जनों ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि साहब, हमारे भी पक्के मकान बनवा दो। पूरे गांव में केवल लोग मोदी जी के ही चर्चे करते हैं कि वह सबके मकान पक्के बनवा रहे हैं, हमारे कब बनवाएंगे। प्रधानमंत्री जी को यह सभी ग्रामीण बड़ी ही आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। अब देखते यह है कि कर्मचारी अधिकारी इस गाँव की कब तक सूद लेते हैं। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। कौन से गांव से हो? घुरदा। अच्छा, जन्म ग्राम पंचायत कौन सी है आपकी? हतिया खेड़ा। हाँ। तो आपके जो गांव है, पिछले 5 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास के तहत कोई कुटीर का निर्माण हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण है, क्यों नहीं हो पा रहा है आपके यहाँ? सचिव के ना जाते हैं तो वे जाके कहते हैं कि हम तुम्हारा डाटा खत्म है, कल नेट पे चढ़ी नहीं है कुटी, ऊपर से ही नहीं आ रही, कल नेट पे खुला ही नहीं रहा गाँव में। नहीं, गाँव नहीं खुल पा रहा है नेट पे, उनका ये कहना है सचिव का। अच्छा, आपके के कितनी बार चक्कर काट चुके ग्राम पंचायत? हम तो बहुत बेर फिर आए, कम से कम 50 बेर फिर आए। अब का जनवरी में चुनाव ये दोबारा। तो अभी तक आपके ग्राम पंचायत में एक भी कुटीर को मतलब लाभ नहीं मिला आपके गांव घुरदा में? नहीं, घुरदा में मिली नहीं है। मंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है? कुछ नहीं मिलो साहब, हम तो बड़ी आशा कर रहे थे प्रधानमंत्री हजारों लाखों वोटों से जिताए, तब भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, आपने बड़ी उम्मीद से वोट दिया था प्रधानमंत्री को जी, मगर आपको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा पूरे गांव में? पूरे कच्चे मकान गिर रहे हैं जी, पानी भरा रहा घरों में। अच्छा, तो कच्चे मकान आपके पूरे इस बारिश में ढह गए कि नहीं? ढह गए साहब, सब ढह गए। मगर आपको प्रधानमंत्री से कितनी उम्मीद थी कि भैया आपका पक्का मकान बने? उम्मीद है जी साहब कि बनाएंगे अपने मकान, कब बनाएंगे वो अपन भाजाओ पंचायत में, कहते हैं भैया ऊपर से ही नहीं, तुम्हारा गांव नहीं खुलो नेट पे नहीं कह रहे गांव। तो ग्राम पंचायत सचिव उनका ये कहना कि आपका नेट पे सर्च नहीं कर रहा गाँव जी। अच्छा, मेरा नाम अनिल गुप्ता है, मैं लुपिन फाउंडेशन संस्था में रीजनल मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। हमारी संस्था विदिशा के अंदर आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत सरकार के साथ मिलकर यहाँ पर विकास के कार्य कर रही है। हमारी संस्था 2 अक्टूबर को 1988 को शुरुआत हुई थी, श्री देशबंधु जी गुप्ता ने इनकी शुरुआत करी थी, और हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग सरकार के साथ मिलकर, समुदाय को साथ मिलके किस तरह से सब मिलके विकास का कार्य करें। तो ये जो गाय हैं, मवेशी हैं, हमारे बारिश के दिन में गीला होने की वजह से रोड पे बैठ जाते हैं और इससे अनचाहा एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम इस तरह के रेडियम हम लगाते हैं यहाँ पर, तो अचानक से रात में ये गाड़ियाँ को दिख नहीं पाती, लेकिन रेडियम की वजह से दिख जाएगी। तो दिखने की वजह से वो अपना ट्रक वाला या बस वाला या गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। नहीं, इससे केवल गायों की जान बचेगी, मवेशी की जान बचेगी,
बल्कि इससे अनचाहा एक्सीडेंट भी हो जाता है, गाय को बचाने के चक्कर में कहीं गाड़ी उनके नीचे उतर जाती है तो उससे इस पर रोक लग सकती है। तो ये इसके अलावा और भी कौन सी सरकार के साथ योजना के साथ में काम कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर जो विकास के 6 आयाम हैं जिसके अंदर कृषि, शिक्षा, स्किल की जो ट्रेनिंग है, कुपोषण के ऊपर, वित्तीय समावेश की जो योजनाएं हैं, मूलभूत संरचनाएं हैं, कृषि है, इन सभी क्षेत्रों में सरकार के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। हम लोग 2 अक्टूबर 1988 को हमारी संस्था की शुरुआत हुई थी जिसमें हम लोग देश के जो 23 जिले हैं, 9 राज्य जो अलग अलग राज्य हैं उनमें हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से विदिशा के अंदर जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है नीति आयोग का, उसके तहत हमारा नीति आयोग के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत हम यहाँ पर सरकार के साथ और समुदाय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आज भारतीय जनता पार्टी ने विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने TIT कॉम्प्लेक्स के बाहर मंच लगाकर बारिश से किसानों की फसल बर्बादी और बिजली के बढ़ते बिलों के साथ किसानों की कर्ज माफी पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में किसान और BJP कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। किसान महिलाओं ने पूर्व कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार के भाषण के दौरान मंच के पास जाकर बिजली के बढ़ते बिलों की समस्याएं बताई। खरगोन में TIT कॉम्प्लेक्स में भाषण के दौरान राहुल गांधी के खरगोन में 30 अक्टूबर 2018 को चुनावी रैली में दिए भाषण का जिक्र करते हुए पूर्व मंत्री ने कड़ा तंज कसते हुए वादा खिलाफी को याद दिलाया। किसानों ने बताया कि राहुल गांधी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ कर दिया जाएगा। इसी बात पर पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने धरना प्रदर्शन के दौरान थूक कर चाटने वाला मंच से भाषण दे दिया। जहां ओलावृष्टि हुई थी किसी को छोटी कौड़ी नहीं दी माहौल के नाम। ऐसी अचरमंड सरकार और जिसको कहते हैं कि जिसमें कोई जवाबदारी का इसमें बोध ही नहीं है, बात भी जिम्मेदारी से नहीं करते। अब इसके एक में एक उदाहरण अभी देखिए, एक सबसे बड़ा इन्होंने पाखंड किया था किसानों को कि आपका कर्जा माफ करेंगे। राहुल गांधी बोल गए 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, 10 महीने हो गए कर्जा माफ हुआ नहीं। और अब वो दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, वो अभी बोला 2 दिन पहले राहुल जी ने गलत घोषणा कर दी, ऐसी घोषणा नहीं करना। अरे जिस घोषणा पे मध्य प्रदेश की एक अखंडी सरकार बनी है वो लोग अब कह रहे हैं कि ये घोषणा नहीं करना था, तो अब क्या करना? तो राहुल जी ने जनता से माफी मांग लेना। माफी को क्या समझते, माफी क्या कहते हैं हम हमारे निमाड़ी में? थूक के चाटना। तो कांग्रेसी नेता अपने आवाज आए तो इनको बोलो कि ना पहले थूक के चाटो उसके बाद आपको। बारिश से धरना प्रदर्शन स्थल पर अचानक भाषण देने के दौरान तेज बारिश आ गई। इस बारिश से धरना स्थल सुनसान हो गया। सभी नेता और कार्यकर्ता तत्काल TIT कॉम्प्लेक्स में दौड़ लगाकर छांव का आसरा ढूंढने लगे। 15 मिनट की तेज बारिश के बाद में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये पूरे मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि से सारी फसलें बर्बाद हो गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसका भारतीय जनता पार्टी का अपना कर्तव्य है कि सरकार के सामने किसानों की समस्या को उठाया जाए, इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं। मालवा में भी, निमाड़ में भी और विंध्य में भी, सब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। किसानों के पास किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं, दूसरा खरीफ की पूरी फसल बर्बाद हो गई और सरकार कोई गंभीरता से इस विषय को ले नहीं रही है। इसलिए हमने ये प्रदर्शन किए, सरकार को जगाया है कि सरकार किसानों के खेत का सर्वे करे और राहत राशि तुरंत प्रदान करे
साथ में उसको बीमे की राशि भी दिलवाए, और ये जब मिलेगा तो फिर किसान अगली रबी की फसल की तैयारी करेगा, अन्यथा ये जब देर हो गई तो उसको खरीफ भी बर्बाद और रबी भी बर्बाद हो जाएगी, तो किसान तो लुट जाएगा एक प्रकार से। इसलिए ये सामयिक विषय था, इसलिए हमने इसको पूरे मध्य प्रदेश में रखा है।